शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम जो तीन मार्च से होने वाले हैं वो टल भी सकते हैं अगर कोरोना ज़्यादा फैला तो ये आज का अपडेट है मंत्री जी ने आज बोला है तीन मार्च से एग्जाम स्टार्ट होगा और छब्बीस मार्च तक एग्जाम चलेगा छब्बीस को लास्ट एग्जाम है मैथमेटिक्स का गणित का लास्ट एग्जाम होता है हर बार और छब्बीस को इस बार लास्ट एग्जाम है तो उसके हिसाब से तीन से छब्बीस मार्च के बीच में अगर वहाँ पर कोरोना पीक पर रहता है अगर फरवरी के अंदर मान लो अभी तो इतना पीक आया नहीं है अगर पीक पर रहता है हाईएस्ट मतलब केस आ रहे होंगे तो शायद वहाँ पर टल सकता है लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो तो होंगे जो ट्वेल्थ क्लास के हैं सत्रह जनवरी को अभी इतना खास नहीं है कोरोना का अभी बहुत कम केसेस आ रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम तो हो जाएंगे लेकिन ट्वेल्थ के एग्जाम थोड़ा आगे भी जा सकते हैं अप्रैल या मई के अंदर भी जा सकते हैं तो आपको अपनी तैयारी करते रहना है और ये जरूर कहा है बोर्ड परीक्षाएं होंगी जरूर टलेगी नहीं होगी जरूर परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा जरूर होगी मार्च में नहीं तो अप्रैल में या फिर मई में हो सकती है कभी भी हो सकती है और सिलेबस कम नहीं होगा सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बोला है सिलेबस कम नहीं होगा केवल आपका एग्जाम की जो डेट है वो एक महीना या दो महीना आगे जा सकती है ये आज की न्यूज है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और जिसको भी कोर्स चाहिए क्लास टेंथ का फुल कोर्स क्लास एट का फुल कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का और मेरे ऐप का ग्रुप ऐप का लिंक भी दे रखा है वहां से आप जाकर कोर्स को परचेस कर सकते हो तीन सौ रुपये में फुल कोर्स मिलेगा एक साल के लिए धन्यवाद